मोदी आज मेघालय दौरे पर, शिलोंगतुरा में रोड शो, नागालैंड के दीमापुर में भी चुनावी सभा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेघालय और नागालैंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मेघालय के शिलोंग पर रोड शो करेंगे। इसके बाद पश्चिमी मेघालय के तुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेघालय के बाद पीएम मोदी नागालैंड के कॉमर्शियल सिटी दीमापुर में चुनावी रैली को संबोधित कर सकते हैं। मेघालय और नागालैंड में 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। मेघालय में चुनाव से पहले शुक्रवार का प्रचार मोदी की यह पहली और आखिरी रैली होगी। त्रिपुरा समेत पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों में नतीजे 2 मार्च को आएंगे। हाल ही में मेघालय सरकार ने तुरा में सुरक्षा का हवाला देते हुए पीएम मोदी की चुनाव प्रचार रैली को परमिशन देने से इनकार कर दिया था। यह रैली पीए संगमा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाली थी। वेस्ट गारो हिल्स जिले में होने वाली रैली को परमिशन न मिलने पर भाजपा ने मेघालय सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी शुक्रवार सुबह शिलोंग में 3 स्वतंत्रता सेनानियों यू टिरोट सिंह, यू कियांग, नंग पा और पा तोगन संगमा को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद शहर के बीचों बीच ख्यान दाईलाज क्षेत्र में रोड शो में भाग लेंगे और उसके बाद लोगों को संबोधित करेंगे। रोड शो के बाद पीएम मोदी दोपहर में वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा में बीसीसीआई के आलोट ग्रे स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। मेघालय में भाजपा ने सभी 60 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 2018 में पार्टी ने 60 सीटों में से 48 पर उम्मीदवार उतारे, इनमें 2 जीते भी। एनपीपी के साथ भाजपा सरकार में शामिल रही, इस बार भाजपा सभी सीटों पर लड़ रही है। उसकी रणनीति प्रत्येक वोटर के साथ जुड़ने की है, क्योंकि वोटर उम्मीदवार के साथ संपर्क चाहता है। इससे पहले भाजपा ने 17 फरवरी को त्रिपुरा में 55 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अपने सहयोगी इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा आईपीएफटी को 5 सीटें आवंटित की थी। नागालैंड देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में 90% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। हालांकि बाद में सामने आया कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी वोटिंग होती रही है। इलेक्शन कमीशन ने यहां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में वोटिंग और कड़ी मॉनिटरिंग के इंतजाम भी किए हैं।